hi, say hi. Hi, how are you? ओके हाँ, आई नो ये एक ब्लॉग है बट हम कुछ अलग अंदाज में करते हैं ना, लाइक हम स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लॉग को लेके चलते हैं जिससे ये जो वीडियो होगा ये बहुत ज्यादा मजेदार बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, लाइक ब्लॉग को स्टार्ट करो स्टोरी टेलिंग के साथ। तो पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, लाइक मेरा नाम है समीर और मैं अर्निंग रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे डालता हूँ, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियोस वगैरह देखो, अच्छे वीडियोस डालता हूँ जिससे यूजर्स और मेरा दोनों का प्रॉफिट होते रहता है। और आपको तो पता ही होगा भाई, रिसेंटली मैंने ना 30 डेज चैलेंज किया था जहां पर मैंने 30 डेज में 44 वीडियोस डाले थे, जो कि बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद अचीव किया, सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद मेरे को नीड था एक वैकेशन का, लाइक थोड़ा बहुत ब्रेक मिल जाए, रेस्ट मिल जाए 2-3 दिनों का। एंड इसी दौरान हमें कॉल आता है मेरे एक दोस्त का जिसका नाम है सुब्रो, और इसी के साथ मेरा एक और दोस्त है जो कि इसी इवेंट पे पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़ा रहेगा, जो कि है सोमनाथ। ठीक है, इन दोनों दोस्त का मेरे को मैसेज कॉल आता है कि भाई ऐसा सा सीन है, एक एक्स्ट्रा पे बोल के एक कंपनी है जिनका एक इवेंट होने वाला है, और अगर अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, हम गोवा जाएंगे। और वहां पर ही काफी सारे लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, मैंने बोला भाई मौका अच्छा है, मेरे लिए भी अप्लाई कर दो। तो मेरे पे फॉर्म तो मिल गए, फिर मैंने अप्लाई किया और पता चलता है कि भाई यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हमारा जो फॉर्म था वो सबमिट तो हुआ बट कंपनी वालों तक पहुंचा नहीं, जिस वजह से मेरे को अप्रूवल नहीं मिला। और उसके बाद काम आ जाता है सूर्य भाई और सोमनाथ भाई, क्योंकि इनका ना कनेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इन्होंने भाई थोड़ा बहुत गुजारिश किया मेरे प्रति और काम बन गया। तो फिर क्या, हमारा प्लान बहुत ही सिंपल था कि हम ना 17 तारीख को निकलेंगे, रात तक पहुंचेंगे और वहां पर एक होटल लेंगे, और होटल लेने के बाद हम पहुंच जाएंगे रिजॉर्ट, लाइक जो कंपनी की तरफ से दिया गया था उसमें हमें ठहरना है। 17 तारीख और 18 तारीख को इवेंट था, जो कि तब के टाइम पर नहीं पता था इवेंट कितने तारीख को, बट फिलहाल के लिए अभी के टाइम पर पता था, मैं बता दे रहा हूं। यहां पर 18 तारीख को इवेंट था और हमारा काम कंप्लीट। लेकिन जितना इजी से मैंने बता दिया ना भाई, उतना इजी था नहीं। और तो और भाई, मैंने ना पहले प्लान भी नहीं बनाया था कि भाई यहां पर ना हम ब्लॉग बना लेते हैं। ठीक है, लाइक पहले कोई भी मूड नहीं था कि भाई ब्लॉग वगैरह बने, मैं तो भाई ब्रेक के लिए जा रहा था ना, वैकेशन टाइप। ठीक है, और उसके बाद मेरे को ना आगे चल के ऐसा कुछ पता चलता है जब मेरे को लगता है कि भाई हाँ अब ब्लॉग बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, निकल जाता हूँ, मेरे पास ज्यादा कुछ क्लिप्स तो आपको नहीं मिलेंगे बट फिलहाल के लिए 1-2 फोटोज होंगे और छोटे मोटे क्लिप्स होंगे, तो आप लोग मैनेज कर लेना कि भाई यहाँ से हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोगों को सिंपल था भाई, हम लोग जाएंगे यहाँ से बस में लेके एयरपोर्ट तक, और एयरपोर्ट से जाएंगे हम लोग हैदराबाद, और हैदराबाद से जाएंगे हम गोवा। ठीक है, तो सिंपल सा भाई हम लोग निकल पड़े। हेलो गाइस, यहाँ पर बादल को चीर दिया हम लोगों ने और फाइनली हम पहुंच गए हैदराबाद। आपको फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत सही रहा। ठीक है, कान में दर्द हुआ? कान में थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद सही हो गया। और कुछ दर्द? समीर अंसरी को और कुछ जगह दर्द हुआ, पता नहीं उसका सही होगा। और पता चलता है कि भाई 3 घंटे बाद दूसरा फ्लाइट है जो कि हैदराबाद से लेके गोवा तक हमें पहुंचा देगा। बोलो जुबा कैसे। तो फिर क्या, 3 घंटे वेट करने के बाद, परिश्रम करने के बाद उस जगह पे हम पहुंच जाते हैं वहां से लेके प्लेन पे अगेन, और वहां से चलते हैं गोवा की तरफ। जब हम गोवा पहुंचते हैं भाई, वहां पर तुरंत से हम लोग निकल जाते हैं बाहर की तरफ, हालांकि एग्जिट ढूंढना मुश्किल था बट फिलहाल के लिए भाई हमने कुछ भी करके ना एग्जिट ढूंढ लिया, और उसके बाद हमें मिल गया एक टैक्सी बोलते हैं। तो अब प्लान भाई वही था कि भाई हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक होटल पे एक दिन रुकेंगे, लाइक हमारा रात का सफर वहीं पर कंप्लीट होगा, और उसके बाद दिन का सफर जो है हम लोग नए रिजॉर्ट पे बिताएंगे, लाइक जो कंपनी की तरफ से दिया गया होगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम पहुंच गए भाई एक अच्छा सा होटल पे, और वहां पर हम लोगों ने दिन बिताया, रात बिताया, उसके बाद हमारा दिन हुआ। तो हमने क्या किया भाई, यहां से चले गए रिजॉर्ट। ठीक है, लाइक ज्यादा दूर नहीं था, हम लोगों ने उसके सामने में एक होटल बुक किया था जिससे हम लोगों को ज्यादा पैसा स्पेंड ना करना पड़े। जैसे हम लोग रिजॉर्ट पहुंचते हैं भाई, ज्यादातर लोग आए ही नहीं थे, लाइक कुछ ही लोग आए थे, क्योंकि हमारा जो इवेंट था ना भाई वो था 18 तारीख को और 17 तारीख को, इसीलिए बुलाया गया था ताकि सारे लोग एक साथ आ जाए इसी डेट में। तो हमारा एक दिन वेस्ट जाने वाला था, लेकिन हम निकले चालाक। तो हम क्या किए भाई, वहां से चले गए बागा बीच। आपको पता होगा बहुत पॉपुलर जगह है, लेकिन वहां पर अब लोग बीच वगैरह, हसीनो, रश
कुछ नहीं, कुछ लोगों को देख सकते हो जहां पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया और काफी सारे चीजों को करने के बाद हम दोबारा पहुंच गए रिजॉर्ट। तब तक हमारा रात हो चुका था, उसके बाद क्या भाई खाना वगैरह खा के सो गए और जैसे ही सुबह उठते हैं भाई, उसी वक्त मेरे को लगा कि भाई अब ब्लॉग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा काफी सारे लोगों को जो कि यूट्यूब पे धमाल मचा रहे हैं, ठीक है, हमारी कम्युनिटी पे कहीं आए थे और यहाँ पर कुछ लोग मिल गए। ए पवन भाई हाथ दिलाओ, सब्सक्राइब करने बोलो, मेरे को प्रमोट करना चाहिए। किसको हीरो भाई थोड़ा कर दो यार, एक क्लियर कर दो जल्दी यार। इतना तो कम्युनिटी भी नहीं है यार। सोमनाथ भाई टेक्निकल गियर भाई हाथ हिला दो यार कम से कम, हाथ ही हिलाना। और उसके बाद हमें ना मनोज दे भाई भी मिले, लाइक बहुत ही हम्बल पर्सन। यहाँ पर हम लोगों ने ज्यादा बात तो नहीं किया, ज्यादा फोटोज वगैरह नहीं लिया, एक फोटो लिया जो कि आप लोग देख सकते हो और थोड़ा बहुत एक क्लिप बनाया था जो कि मनोज दे भाई बंगला में बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत बनता था ये वाला क्लिप लेना। तो बस उनसे एक क्लिप लेके हम निकल पड़े इवेंट की तरफ, लाइक अब हमारा करना था ना भाई, सारे लोगों से मिल गए, अब इवेंट में चलते ना, वहां पर क्या मिलेगा। तो गाइस अभी हम लोग चलने वाले हैं बस में और उसके बाद थोड़ा टाइम मतलब 10-15 मिनट दूर पे हमारा इवेंट है, बहुत जबरदस्त इवेंट होने वाला है भाई, मजा ही आ जाएगा। यही सोच में हम चले जाते हैं बस पे जो कि हमारा 3 बजे था, लेकिन हमने बहुत ज्यादा डिले कर दिया खाना खाने के चक्कर में। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बस लिया और निकल पड़े। तब तक के लिए मैं भाई सोच चुका था कि भाई ब्लॉग वगैरह करना है, तो यहाँ से आप लोग देखो भाई क्या ही एंजॉयमेंट होता है। हेलो गाइस, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, पर क्या बोलना चाहता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट ब्लॉग। हम जा रहे हैं एक बहुत बड़ा इवेंट पे, लाइक ये चीज अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इवेंट है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए, इन्फ्लुएंसर जो भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं जो इस कंपनी पे काम करते हैं, और उनमें से मैं एक हूँ जो कि आया है सारे यूट्यूबर्स के साथ। ये वाला नहीं है, चलो साला जो तो बिल्डिंग में वाले भूल जा रहे हैं भाई। हम लोग गलत बिल्डिंग में चले गए थे, तो रास्ता भटकने के बाद हमें पता चलता है कि भाई आगे चल के वो वाला हमारा है होटल जहां पर हम करने वाले एंजॉयमेंट इवेंट का। लाइक इवेंट में क्या चीज होगा, यही इंपॉर्टेंट इस वीडियो का। और देख सकते हो भाई काफी काफी सारे लोग आए थे, देखो देखो कितने सारे लोग हैं, देखो ये तो 25% भी नहीं है जितने सारे लोग आए हैं, समझ रहे हो बात को, 25% भी नहीं है, अभी बहुत सारे लोग आना बाकी है। लाइक सारे लोगों ने अपने फोन निकाल लिए थे भाई, सबको रिकॉर्ड करना था। मैं तो बोल रहा था भाई 100 लोग आए तो 100 लोगों का एक दिन का कॉन्टेंट सबको मिल गया इन कंपनी की तरफ से, ठीक है, जो कि बढ़िया बात था। और काफी सारे लोग आप जानते भी होंगे और मैं भी काफी सारे लोगों को जानता हूं, और जिनको नहीं जानता भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद क्या भाई पास वगैरह लिया, ज्यादातर फोटोज वगैरह खींचे, और ये बाथरूम वाला फोटोज पे कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि बाथरूम में इतने सारे लोग फोटो क्यों खींच रहे, मुझे भी नहीं पता। जैसे हम लोगों ने पास वगैरह लिया, लिफ्ट पे गए, और लिफ्ट पे जाने के बाद हम एंटर करते हैं गलत जगह पे, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि कौन सा वाला फ्लोर है। तो हम वापस आते हैं, वापस ऊपर जाते हैं और पता चलता है कि भाई ये वाला फ्लोर है जहां पर बहुत बड़ा दरवाजा है। पता नहीं इतना बड़ा दरवाजा क्यों रखा गया था, बट फिलहाल के लिए भाई यहां पर ही हमें बहुत सारे फोटोज शूट करने को मिला, और ये सारे के सारे फोटोज इंस्टाग्राम पे आने वाला है, तो भाई प्लीज फॉलो मी। तो काफी समय व्यतीत करने के बाद हम चले जाते हैं भाई इवेंट के जहां पर हमें बैठना होता है, वहां पर जाके हम आराम से बैठ जाते हैं। बैठने के बाद यहां पर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है इन लेडी के द्वारा। मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं हमारे देश भर के जाने माने टेलीग्रामर्स, यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स को होस्ट करने वाली हूँ, जहां पर कंपनी ने किस तरह से ग्रोथ किया, किस तरह से स्टार्ट हुआ, इन सब चीजों पर बात और डिस्कशन होता है। और साथ ही साथ काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स ने अपने बारे में और कंपनीज के साथ किस तरह से जुड़े उनके बारे में स्टेज पे आके बताया। तो सबसे पहले मैंने 2017 से ही स्टार्ट किया था, मेरा नाम है राहुल खान और मेरा चैनल का नाम है टेक्निकल फ्यूचर। तो सबसे पहले तो मैं माफी मांग लेता हूं, मेरा बोलने का एक्सपीरियंस इतना है नहीं बचपन से। तो मेरा YouTube स्टार्ट हुआ था 2017 में, हम लोग एक ही साथ साथ किए थे, स्टार्ट किए थे, निकले थे हम और भी। उसके बाद हम लोग आशीष से मिले थे 2018 से। मिलने के पहले से हम लोग को यूट्यूब से उतना पैसा मिलता नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही कम मिलता था और व्यूज भी उतना आ नहीं रहा था, और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इतना पता भी नहीं था। तो प्लान तो बन गया, मैंने बोला चलो ठीक है गोवा इसी बार में घूम भी लेंगे, मेरा फर्स्ट टाइम में गोवा आया हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ पता है, ऐसा स्ट्रेटजी हो गया कि 17 को फ्लाइट था और 16 तारीख को मैं शादी कर गया, वो मेरी वाइफ की आई हुई है,
हमने भी भाई बहुत एंजॉयमेंट के साथ सुना और उसके बाद हमारा होता है इवेंट कंप्लीट। जब हमारा इवेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर है ना कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है हमें, लाइक कुछ एक्सक्लूसिव, जो कि था रशियन के साथ डांस का मौका। नहीं, मेरे को डांस करने को नहीं मिला, लेकिन वो आके डांस जरूर कर गई। और साथ ही साथ भाई शराब वगैरह का इंतजाम किया गया था। मैं तो फिलहाल के लिए नहीं पीता, बट फिलहाल के लिए भाई जितने सारे लोग थे ऑलमोस्ट मैं बताऊंगा 80-90% लोगों ने पिया, और पीने के बाद ये हालत होता है भाई सबका। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करने के बाद हम खाना वगैरह खाते हैं और हमें मिलता है भाई एक गिफ्ट, जो कि एक्स्ट्रा पैक वालों की तरफ से होता है। यहाँ पर हमें एक डायरी मिल जाता है, एक हमारे सर्टिफिकेट मिल जाता है, कलम वगैरह मिल जाता है और एक शैम्पू मिलता है। शैम्पू का क्या करूंगा मैं क्या करूंगा शैम्पू को, मेरे को सब्सक्राइबर दे दो ना थोड़ा सा। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे एंड इनफैक्ट मैंने ना पूरा का जो पूरा बताया ना भाई, ये मेरा सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ मेरा फर्स्ट टाइम था। लाइक मैं कभी इतना दूर गया भी नहीं, ना मैंने रिजॉर्ट पे रुका, ना इस तरह का कुछ खातरदारी मेरे को पे बहुत ज्यादा वर्ड। एंड इसी तरह से हमारा होता है इवेंट कंप्लीट, जहां पर हमें बहुत मजा आता है, बहुत सारे लोगों से मिलने को मौका मिलता है। काफी सारे लोगों का आपको फोटोज दिख रहा होगा, आपको पता ही होगा इन सब के बारे में। लाइक मैं ही सबसे छोटा क्रिएटर हूँ उस जगह पे, बट फिलहाल के लिए भाई हमने बहुत मस्ती किया और उसके बाद हम चले गए वापस अपने रिजॉर्ट, क्योंकि हमें दूसरे दिन पे निकलना था। तो गाइस फाइनली हमारा पैकअप हो चुका है, देख सकते हो हीरो भाई और प्रिंस भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, आइसक्रीम खा रहे, और इधर सुब्रो भाई और सोमनाथ भाई मस्ती करते हुए। तो फाइनली हम लोग हैदराबाद पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ से और एक फ्लाइट ले रहे हैं। चलो और फिर बस लिया बहुत ज्यादा दिमाग खराब के साथ, और बस ने किया भाई तीन घंटे लेट, पता नहीं कौन सा नशा था, बट हाँ 3 घंटे लेट करने के बाद हम पहुंच गए और लास्ट में हमें मिल गया अपना भाई। तो गाइज हमें लेने के लिए मेरा भाई आ चुका है। फाइनली हमारा डेस्टिनेशन होता है कंप्लीट, हमारा टूर होता है कंप्लीट, हमारा ब्लॉग होता है कंप्लीट। अब बस यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरह का ब्लॉग्स वगैरह तो कभी डालता नहीं हूँ अभी के लिए। फिलहाल के लिए मिलते हैं वीडियो पे, एंड कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, तब तक के लिए वेट कर लेना, एंड इट विल बी गुड फॉर यू, बाय। अच्छा वेट, मैं खुद ही वेट नहीं कर रहा हूँ। और इधर सुब्रो भाई और सोमनाथ भाई मस्ती करते हुए, और यहाँ पर पवन जो है ना अंदर गया है चाबी वगैरह देने और अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने, उसके बाद हम लोग चलते हैं अलग एक होटल, उसके बाद हम लोग और घूमेंगे इवेंट करते होने के बाद भी घूमेंगे। और काफी सारे लोगों ने एग्री किया कि भाई चलो करते हैं कुछ मौज, और इसी के साथ तारा रा रा रा। मेरे वर्ड्स जैसे कोई बम, ना खींचू मैं दम, ना किसी से कम, मैं सबका बाप, सबसे हार्ड मत लगनाथ बिना कोई बात।